नमस्कार, आप देख रहे रितम और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। आज देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। विभाजन के दौरान देश में जान गंवाने वाले लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिन रखा गया है। इस बीच पीएम मोदी और अमित शाह ने जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर पर लिखा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इसके साथ ही यह दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। साथ ही अमित शाह ने भी देश के विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। पंजाब के पठानकोट जिले में स्वतंत्रता दिवस से पहले सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। बीएसएफ ने आज एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। बीएसएफ के जवानों ने सीमावर्ती सिम्बल के पास पड़ने वाले क्षेत्र में सीमा बाड़ के आगे एक पाकिस्तानी घुसपैठी की संदिग्ध गतिविधि देखी, जिसके बाद सैनिकों ने घुसपैठी को चेतावनी दी लेकिन वह नहीं रुका। सीमा सुरक्षा बल ने उस पर फायरिंग कर दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने तमिलनाडु के गिरफ्तार मंत्री सेंथिल बालाजी के भाई वी अशोक कुमार को हिरासत में ले लिया है। ईडी ने पूछताछ के लिए अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए अशोक कुमार को कई नोटिस दिए थे लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर ईडी ने अशोक कुमार को कोच्चि से हिरासत में लिया और फिर उन्हें चेन्नई ले जाया गया। बता दें कि ईडी ने हाल ही में करूर में 2.5 एकड़ की संपत्ति जब्त कर ली थी जहाँ अशोक कुमार की पत्नी निर्मला के नाम पर एक विशाल हवेली का निर्माण किया गया था। पंजाब में बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पंजाब की आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। सुनील जाखड़ ने कहा कि शहीदों के सम्मान में केंद्र की ओर से लगवाए गए स्मारक पत्थरों से छेड़छाड़ कर आप सरकार ने घृणित कार्य किया है। जाखड़ ने मुख्यमंत्री भगवत मान को याद दिलाया कि वे शहीदों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं, अच्छा होगा कि वे अपने काम और अपनी सोच में शहीदों की सोच का कुछ हिस्सा भी शामिल करें। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जो स्मारक शिलाएं भेजी गई हैं उन पर प्रधानमंत्री के नाम के साथ संदेश लिखा गया था जिस पर पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश पर काले रंग की टेप लगाकर एक अलग संदेश लिखवा दिया। गदर 2 में एक बार फिर सनी देओल अपनी आइकॉनिक किरदार तारा सिंह को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी रिलीज के बाद से ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। इस बीच गदर 2 ने वीकेंड पर कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसने रिलीज के 3 दिन में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन यानी रविवार को 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर शाहरुख खान की पठान और बाहुबली को तीसरे दिन की कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इसी के साथ गदर 2 की कुल कमाई अब 134 करोड़ रुपए हो गई है।